देवेंद्र बबली जी का शासन है, कुछ नहीं हो रहा काम यहाँ पे जी। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। A1 हरियाणा की टीम आपको वो तमाम खबरें दिखाती है जिसकी न केवल ज़रूरत है बल्कि वो मुद्दा भी बनते हैं। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये साधनवास रोड तलवाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ आसपास के कई गांव लगते हैं और एक ऐसा मुख्य मार्ग है जहाँ से रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोगों का गुजरना होता है। लेकिन इस सड़क के हालात यदि आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। स्थानीय विधायक, उनको शायद इस बात से फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो यहाँ से गुज़रते हैं, यहाँ से आते हैं और जाते हैं, उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर तौर पर एक बड़ी समस्या, एक बड़ी दिक्कत यहाँ नज़र आती है। यहाँ से गुज़रना आसान और सहज नहीं है। क्या नाम है जी आपका? सतवंत सिंह जी। सतवंत सिंह यहीं रहते हैं? हाँ जी। ये दिक्कत कब से है? दिक्कत होने आई तो भाई 15-20 दिन तो महीने तो। अच्छा। हाँ जी। तो एक सड़क टूट कैसे गई? टूटी तो ये सड़क पिंड का पानी आई। अच्छा। गंदा पानी पिंड का आई। ये हूँ पिंड च रोले चल रहे आई टोब्या दी। प्रोजेक्ट कहते भी उत्तों आए ने भी प्रोजेक्ट लाने भी नाली जो घग्गर जो पानी बंद करने का। अच्छा, ये बताइए यहाँ के जो स्थानीय विधायक रहे हैं उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया इसको? उन्होंने तो रौला ही सारा हूँ, एक पट्टन चा एक रोकण चा सारा रौला ही उन्होंने ही। अच्छा। वो सारा राजनीति चल रही है सारी ये जी। सारी राजनीति चल रही है। हाँ जी। उनको दिखाई नहीं देता यहाँ से गुजरे भी होंगे कभी कि भाई हालात बड़े बुरे हैं? दिखाई जी, हूँ इतने सारे प्रशासन वाले जी सारे बुला ले जी, मीटिंगा कर लिया जी। अच्छा। जई साहब सैकटरी साहब सारे बुला ले जी, उन्होंने कहा भी ये टोबा जेड़ा उरों इनू साडी पिंड तो परले बन्ने जगह पई है जी, भी पिंड तो एक बन्ने पई है जी, भी इतने सारे दिक्कत है भी तुसीं इनू इत्थों कैंसल करके भी इनू उधर लैके जाओ जी। वो उधर नहीं लैके जा रहे जी। अच्छा। राजनीति विच राजनीति वाला काम चल रहा सारा। तो देखिए, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं एक, इनका साफ तौर से कहना है कि ये राजनीति की भेंट कई चीज़ें चढ़ जाती हैं और राजनीति जो होती है ठीक है अगर वो सही दिशा की तरफ बढ़े तो कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन यदि वो आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाए तो वो बड़ी समस्या हो जाती है। ये जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ से गुजरते हुए ना जाने किस तरीके की समस्याएं लोग रोज़ाना पेश आती हैं और ख़ास तौर से देखिए हादसे का शिकार भी कोई भी हो सकता है। बड़े बड़े गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है, कहीं कहीं जो है ये पता भी नहीं चलता है कि कितनी गहराई हो सकती है। और छोटे व्हीकल्स जो हैं जिनके टायर छोटे हैं, स्कूटी या तमाम चीज़ें, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती और बड़ी समस्या साफ तौर से नज़र आती है। ज़ाहिर तौर पर ये एक बड़ी परेशानी का सबब कहीं ना कहीं ये बनता हुआ नज़र आता है। यहाँ से आते हो तो दिक्कत होती है? यस सर। है ना? यस सर। ये कब से है बेटा ये? सर हम ना 5-6 हफ्ता हो गया लगा लो। ऐसा ही पानी भरा रहता है? यस सर। तो बड़ा संभल के निकलना होता होगा? यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए बच्चे भी हैं जो आसपास के गाँव में रहते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए जाना होता है और यहाँ से रोज़ाना लोग आते जाते हैं, लेकिन शायद ना तो प्रशासन को ना ही नेताओं को किसी प्रकार का कोई सरोकार है। हालांकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की अनुगूंज एक बार फिर से गूंजती हुई नज़र आ रही है। कह सकते हैं कि ज़ाहिर तौर पर ये एक बड़ा मसला, एक बड़ा मुद्दा यहाँ नज़र आता है। विधायक ने, MLA ने क्या किया क्या नहीं किया, ये बड़े सवालों के घेरे में नज़र आता। कुछ लोगों से और बातचीत करने, गुजरने वाले लोगों से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं और दिक्कतें समझ में आती हैं। नमस्कार जी। थोड़ा बड़ी दिक्कतें होती हैं यहाँ से गुजरने में? बड़ी दिक्कतें होती हैं जी, बहुत दिक्कतें, ज़्यादा दिक्कत आ रही है जी। कब से है ये दिक्कत? ये तो 5-6 महीने हो गए। हाँ जी। तो ये यहाँ के जो विधायक रहे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस दिशा में? ना ना, कोई ध्यान नहीं दे रहे जी, कोई मतलब शासन, कोई यहाँ देवेंद्र बबली जी का शासन है, कुछ नहीं हो रहा काम यहाँ पे जी, बुरा हाल है जी। देखो पानी कितना कितना परेशान हो रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा वादे करके वो सत्ता में आए थे ना जी, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ उनका जी। लोग इस तरीके से यहाँ। हाँ जी, बहुत बड़ी परेशानी है जी,
ये तो काफी दिक्कत आ रही है, कई दिन हो गए जी इसको, तो ना तो इसका पानी बड़े, इसमें दो टोबे हैं इसमें, मतलब छप्पड़ है, ना तो उसमें पानी छोड़ रहे हैं ना उसमें, इसमें अभी सड़क आ रहे हैं बाइक में जैसे जाते हैं जी जी। तो ये मतलब बड़े बड़े खड्डे हैं उसमें, दिक्कत आती है, बहुत बड़ी परेशानी है, हादसों का भी कारण बन सकता है। हाँ जी बन सकता है जी, पता क्या है पानी खड़ा है, खड्डा बड़ा है, पता नहीं लगता है, तो बाइक है उसमें अगर खड्डे में लगे तो गिर भी सकते हैं, हादसे का कारण भी बनेगा वो जी जी बिल्कुल। इसका तो कोई ना कोई हल निकलना चाहिए जी, सरपंच को देखना चाहिए भी ये क्या कर रखा है उन्होंने। देखिए विधायक की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती रही है, जो देवेंद्र बबली साहब है उन्होंने देखा, उनकी भी बनती है ये, देखो उनकी भी जिम्मेदारी है, उनका ये इलाका उनके अंडर आता है, उनको देखना चाहिए ये भी क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है क्या समस्या है, बैठ के इनसे बात करके इस समस्या का हल निकालना चाहिए। यदि यहाँ आप कुछ पल खड़े हो जाएं तो लोगों का दर्द छलक आता है, जो कैमरे के माध्यम से खबरों के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। एक समस्या जो है वो कहीं ना कहीं ये कहती है कि वाकई में इसका हल समय रहते होना चाहिए, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पेश आ सकता है। लगातार बने रहें A1 हरियाणा के साथ। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।